आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा आईपीसी 376 के मामले में एक आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है कलकत्ता हाई कोर्ट ने 25 अप्रैल 2024 को। इस जजमेंट को शेयर करने का उद्देश्य ये है कि आजकल काफ़ी सारे ऐसे केस आ रहे हैं जिसमें कोई लड़का किसी लड़की से शादी का वादा करता है और शादी के झांसे के आधार पर उससे फिजिकल रिलेशन बनाता है, उसके बाद शादी से मना कर देता है। तो साथियों, ये मामला इसी सब्जेक्ट पर आधारित है। लड़के ने लड़की से शादी का वादा किया था, उसके बाद उसने शादी नहीं किया। मामला गया कोर्ट में, FIR दर्ज हुई, लड़के को 7 साल की सजा सुनाई गई। अब केस की कहानी क्या, शॉर्ट में ब्रीफ करता हूँ। और इस केस में किस आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई, इसका भी आप लॉजिक समझिए कि अगर आपका ये मामला कुछ ऐसा है तो किस प्रकार से आपको FIR दर्ज करवानी चाहिए और किस प्रकार से आपको कोर्ट में स्पष्टीकरण देना चाहिए अपराध के संदर्भ में। तो साथियों, जो केस है ये कलकत्ता हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ है। केस का नाम है शहीदुल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के नाम से। इस केस की कहानी कुछ ऐसी है कि इस केस में जो आरोपी है, आरोपी एक लड़की से मिलता है जिसकी उम्र लगभग 17-18 साल के आसपास होती है। चूँकि इस मामले में पॉक्सो एक्ट साबित नहीं हो पाया है, इसलिए लड़की को हम बालिग मान के चल रहे हैं। इस केस में कोर्ट भी लड़की को बालिग मान के ही कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि लड़की 18 साल से ऊपर थी। वो लड़का उस लड़की से मिलता है और मस्जिद को छू करके वो उसको प्रॉमिस करता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, और इसी आधार पर वो उसे शारीरिक संबंध बनाता है और लड़की भी उसको इसी आधार पे स्वीकार करती है, उससे फिजिकल रिलेशन इसी आधार पे बनाती है कि वो उससे शादी करेगा। ऐसे ही कुछ 1-2 साल का वक्त बीता, उसके बाद एक दिन जब वो दोपहर में उस लड़की के घर आया था तो उसी समय लड़की के घर वालों ने उस लड़के को उसी लड़की के घर से उसको पकड़ लिया। उसके बाद उसके घर वालों ने लड़के से कहा कि तुम शादी के लिए दबाव बनाए, तो लड़के ने स्पष्ट मना कर दिया और उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा। इसी बात को लेकर के FIR दर्ज कराई गई। FIR में ये वर्ड यूज़ किया गया था कि जो लड़की थी उसका प्रेम प्रसंग था और लड़के से, और लड़के ने मस्जिद को छू करके उसको कसम दिलाई थी कि मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन लड़के ने, जब लड़का लड़की के यहाँ पकड़ा गया तो उसमें उसने शादी करने से घर वालों के सामने ही मना कर दिया। इस आधार पर 376 और भी साथ में 354, 506 इनके अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया इस मामले में, और मुकदमे का ट्रायल चला। जब मुकदमे का ट्रायल चला तो सबसे पहला सवाल ये आया कि आखिर जो FIR थी वो डिले क्यों दर्ज कराई गई। तो इस संदर्भ में लड़की का स्पष्टीकरण ये था कि वो FIR दर्ज कराने गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने FIR दर्ज नहीं किया था। दूसरी बात ये थी कि आरोपी ने उसे धमकी भी दिया था। अब यहाँ पे जो डिले FIR की हम बात कर रहे हैं, वो इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि जिस दिन लड़का लड़की के घर से पकड़ा गया था उस दिन FIR दर्ज नहीं कराई गई थी, उसके कुछ दिनों बाद FIR दर्ज कराई गई थी। इसलिए यहाँ पे डिले FIR का जो लॉजिक है वो आया, और उसका स्पष्टीकरण कुछ इस प्रकार से आया कि लड़की को थ्रेट किया गया था, लड़की को धमकी दी गई थी और लड़की ने एप्लीकेशन मूव किया था। लड़की पुलिस वालों के यहाँ गई, थाने गई थी, लेकिन उन्होंने उसके FIR लिखने से मना कर दिया था। ऐसा स्पष्टीकरण था डिले FIR को लेकर के। अब दूसरी बात आई कि आखिर इस केस में क्या रेप का मामला बन रहा है। तो इस संदर्भ में सबसे पहले तो ये देखा गया कि जो लड़का था, लड़के का सबसे शुरुआती से ही जो इंटेंशन था वो शादी नहीं करने का था, क्योंकि लड़के ने मस्जिद को छू करके लड़की को प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और इसी आधार पे इन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुए थे। लेकिन बाद में लड़का, जब लड़की के घर वालों ने दबाव बनाया और लड़का पकड़ा गया, तो उसमें उसने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो कोर्ट ने यहाँ पे माना कि यहाँ पे जो है तो जो कंसेंट ली गई थी लड़की की सेक्शन 90 के अंतर्गत वो ब्रीच हो रही है, और यहाँ पे जो मुकदमा है वो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का बन रहा है। और कोर्ट ने ये पाया कि यहाँ पे लड़के ने अपराध किया है। साथ में ही कोर्ट ने, जब ये फैसला सेशन कोर्ट में चला तो सेशन कोर्ट ने आरोपी को 7 साल की सज़ा और ₹10,000 जुर्माने से दंडित किया। उसकी अपील भी की गई हाई कोर्ट में, मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूँ। अपील में भी जो ये मामला था, ये उसकी अपील डिसअलाउ कर दी गई और जो आरोपी की सज़ा थी उसको बरकरार रखा गया।
जब आरोपी की सजा को बरकरार रखा गया तो उस समय हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट है दीपा गुलाटी का, उसका जिक्र किया कि आखिर ये जो रेप होता है किसी लड़की के साथ में, तो उसका ना केवल शरीर पर बल्कि उसकी मेंटल स्टेटस पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए ये जो अपराध है, ये अपराध इतनी आसानी से किसी को क्षमा करने योग्य नहीं है। और आप उस जजमेंट के कुछ कंटेंट देखिएगा जो बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपका रेप का केस है, अगर आप पीड़ित हैं और आप किसी को इस केस में आप चाहती हैं कि जो आरोपी है वो उसको उसके कर्मों की सज़ा मिले, जो उसने किया है, कृत्य किया है, उसको जेल भेजा जाए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट हैं दीपक गुलाटी वाला, जिसमें कि कुछ लाइनों का जिक्र किया गया है, आप ये देखिएगा। साथ ही इसमें बताया गया है कि ये जो अपराध है ये केवल ना केवल मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बल्कि मॉरली भी एक प्रकार से ये अपराध है। और ये बॉडी को, माइंड को और जो विक्टिम है उसकी प्राइवेसी को प्रभावित करता है। एक अगर किसी की हत्या होती है तो वो केवल फिजिकली ही उसको नुकसान किया जाता है, लेकिन जो रेपिस्ट है वो एक प्रकार से जो पीड़िता है उसकी सोल को और उस मतलब उसकी यूँ कहा जाए कि उसको एक प्रकार से हेल्पलेस कर देता है। तो इस प्रकार से ये जो रेप है वो एक परमानेंट एक दाग छोड़ देता है रेपिस्ट जो पीड़िता है उसके जीवन में। और इस प्रकार से ये जो अपराध है ये ना केवल उस महिला के खिलाफ बल्कि एक सोसाइटी के खिलाफ अपराध है, और ये ह्यूमन राइट का भी वायलेशन है। तो इस प्रकार से जो ये अपराध है वो ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी इफेक्ट करता है। तो ऐसा कहते हुए हाई कोर्ट ने जो आरोपी को जो सेशन कोर्ट का फैसला था कि इसे सज़ा सुनाई जा रही है 7 साल की, उसको बरकरार रखा, उसकी सज़ा को कम नहीं किया, उसको बरी नहीं किया, ना ही सज़ा को रिड्यूस करने का कोई ऑर्डर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि जो जजमेंट है जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो पीड़ित लड़कियां हैं, उनके लिए यूजफुल होगा और उससे इनका हौसला बढ़ेगा कि जहां किसी ने अपराध किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। धन्यवाद।